दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI में अगर आपका भी खाता है तो दो बड़े अपडेट निकल कर आ रहे हैं। एक तो जरूरी अलर्ट है, चेतावनी है, और दूसरी अच्छी खुशखबरी है। चलो पहले क्या बताऊं, आप ही बताओ। चलिए पहले खुशखबरी बताता हूं आपको। एक देखिए, पेटीएम और SBI मिलकर एक फीचर लोडेड कार्ड लॉन्च करने जा रहे हैं। ये एक जबरदस्त कैशबैक कार्ड होगा, इसमें आपको कई अन्य तरह के लाभ भी मिलेंगे। पेटीएम के फाउंडर और CEO विजय शेखर ने कहा कि SBI कार्ड के साथ पेटीएम रुपे कार्ड उपभोक्ताओं के लिए एक बढ़िया विकल्प होगा। जी हाँ, पेटीएम का SBI कार्ड NPCI से रुपे क्रेडिट कार्ड पेश करने के लिए एक समझौता हुआ। NPCI यानी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। कुल मिलाकर के सिंपल भाषा में बताऊं तो पेटीएम के साथ मिलकर SBI एक नया तरह का कार्ड लॉन्च करने जा रहा, जैसे डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड होते हैं ना, ATM कार्ड, तो वैसे ही पेटीएम का SBI साझेदारी के साथ जो ये कार्ड आएगा। इसमें कंपनी का कहना कि वॉलेट रिलोड और फ्यूल खर्च को छोड़कर अन्य सभी तरह की खरीदारी पर आपको 1% कैशबैक भी मिलेगा। वेलकम गिफ्ट के रूप में भी हजारों रुपए का लाभ ले सकते हैं आप। कंपनी वेलकम गिफ्ट के रूप में ग्राहकों को कॉम्प्लीमेंट्री पेटीएम फर्स्ट मेंबरशिप के साथ 75,000 रुपए तक के विशेष लाभ भी देगी। तो कहने का मतलब आप भी पेटीएम SBI कार्ड से ये फायदे ले सकते हैं ना। और दूसरा जो मैंने आपको बताया था, दूसरा अपडेट है एक जरूरी चेतावनी अलर्ट है। दरअसल दोस्तों आजकल SBI के सभी ग्राहकों को इस तरह का मैसेज आ रहा, अगर आपको भी ये मैसेज आया तो सावधान हो जाएं, वरना आपके खाते से सारे पैसे कट सकते हैं। वो मैसेज क्या, देखिए जरा। SBI के ग्राहकों को एक मैसेज ने परेशान कर दिया है। ग्राहकों को उनके मैसेज में अकाउंट बंद होने की बात कही जाती है। मतलब आपको सामने से किसी नंबर से मैसेज आता है और बताया जाता है कि संदिग्ध गतिविधि के कारण आपके खाते को अस्थायी रूप से लॉक कर दिया गया, अकाउंट को बंद कर दिया। अगर आप अपने अकाउंट को वापस चालू करना चाहते हैं, लॉक हटाना चाहते हैं, तो एक नीचे लिंक दी हुई थी, उस लिंक पे क्लिक करने के लिए बोला जाता है। लेकिन ध्यान रहे, ऐसे किसी भी लिंक पर क्लिक ना करें, क्योंकि ये एक फर्जी मैसेज है जो स्कैमर्स के द्वारा, हैकर्स के द्वारा भेजा जा रहा। सरकार के अधिकारी फेक न्यूज एजेंसियों की जांच करता PIB फैक्ट चेक की तरफ से भी SBI के ग्राहकों को इस नकली संदेश के बारे में चेतावनी दी गई और कहा कि अगर आपको भी ऐसा कोई मैसेज आया है तो उसका जवाब ना दें, बल्कि इस मैसेज की सूचना आप बैंक को दें। इसकी कंप्लेन कर सकते हैं आप 1930 पर कॉल करके, या इस ईमेल एड्रेस पर भी उस मैसेज को रिपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ध्यान रहे, लिंक पर क्लिक ना करें, क्योंकि आप जैसे ही लिंक पर क्लिक करते हो आपके मोबाइल में वायरस आ जाता है, कोई थर्ड पार्टी एप्स डाउनलोड हो जाते हैं, फिर आपके बैंकिंग डिटेल्स हैकर्स चुरा सकते हैं, जिसके जरिए आपका बैंक खाता पूरा खाली हो सकता है। तो आमतौर पर ऐसे मैसेज में समस्या के समाधान के नाम पर लिंक दिए होते हैं, जिन पर लोग बाग पता नहीं कर पाते हैं और क्लिक कर ही देते हैं। तो ऐसे किसी भी लिंक को क्लिक ना करें। और इसके अलावा भी ये ध्यान रखें, कभी किसी का कॉल भी आता है तो भी आप अपने बैंक अकाउंट नंबर, OTP, CVV, अपनी पर्सनल डिटेल, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड नंबर वगैरह, ये चीजें कभी किसी के साथ लाइव में शेयर ना करें। क्योंकि दोस्तों इंटरनेट के जितने फायदे हैं उनसे ज्यादा इससे सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर फ्रॉड करने वाले, धोखाधड़ी करने वालों की भी संख्या काफी ज्यादा है, उन सब से आपको बचकर रहना होगा। कुल मिलाकर के आप खुद अगर सावधान रहते हो तो कभी किसी तरह का नुकसान होने के चांसेस नहीं होते हैं, है ना। तो उम्मीद है दोस्तों SBI बैंक अकाउंट होल्डर्स के लिए ये दो बड़े अपडेट आपको जरूर जानने मिले होंगे। और भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आप ऐसी ही काम के बातों खबरें रोजाना देख पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।